चंद्र ग्रहण का आपके बच्चे के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो फ्रेंड्स, एक घंटे बाद जो है वो सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल में आपको सोना चाहिए है या फिर नहीं चाहिए सोना, अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स खाना नहीं बनाया है रात का, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है कि सूतक काल में गर्भवती महिला खाना बना सकती है या फिर नहीं बना सकती है। बहुत सारे आपके साथ जो है ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि सूतक में बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। जो ये सूतक काल होता है उसमें आपको क्या क्या चीज़ करने की मनाही होती है, अगर आप एक गर्भवती महिला है और भारत में रहती हैं फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि सूतक काल से ही ग्रहण का असर जो है वो दिखाई देने लगता है हल्का हल्का, बट ये रात को जो है 1:05 पे जो है इसका ग्रहण का पूरा असर जो है पृथ्वी पर दिखाई देगा। तो सूतक काल से ही आपको कुछ ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए फ्रेंड्स, जिससे आपके गर्भस्थ शिशु को कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को ना मिले, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये चंद्र ग्रहण है वो बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण जो है वो होने वाला है, और जो इसके दुष्परिणाम है वो हमारे गर्भस्थ शिशु को शारीरिक रूप में देखने को मिल सकता है। तो गर्भवती महिला कुछ ऐसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे आपके आने वाले शिशु को जो है शारीरिक या फिर मानसिक तौर पे वो चीज़ आपको देखने को मिले और आपको बहुत सारी महिला बोले कि बच्चा जो है वो ग्रहण में आ गया है। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी फ्रेंड्स कि मेरे बच्चे के अंदर ग्रहण काल के दौरान कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो भी सूतक के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, आपके मन के जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली अपडेट आपको हर चीज़ की देती रहती हूँ। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास पहला कमेंट आया था कि सूतक काल में खाना बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है कि आज है शनिवार और शनिवार को सूतक काल लग रहा है फ्रेंड्स, 28 तारीख है, 4:05 पे जो है ये सूतक काल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सूतक काल में और शनिवार है फ्रेंड्स, तो आपको जो है ना लोहे की चीज़ों को स्पर्श जो है वो नहीं करना है, आपको लोहे की कोई भी चीज़ को नहीं छूना है, चाहे आपके घर में कुछ भी लोहे का सामान हो। जैसे कि मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि दीदी, सूतक काल में रोटी बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने बच्चे के लिए एक दिन के लिए आप रोटी नहीं बनाइए, आप ना एक घंटे के अंदर जो है घर के अंदर दाल चावल बना लीजिए, क्योंकि मुझे पता है 90% लोगों के घर में जो है लोहे का ही तवा होता है, और मैं नहीं चाहती कि आप इस दिन सूतक काल में लोहे के तवे को आप छुएं और आपके गर्भस्थ शिशु को कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है कि जो लोहा होता है वो राहु और शनि का बहुत ही भारी ग्रहण के तौर पे देखा जाता है, तो आपको लोहे से बहुत दूरी बना करके रखनी, लोहे को नहीं छूना है। अगर आपने खाना नहीं बनाया है फ्रेंड्स, तो आप चावल जो है 15 मिनट में या 10 मिनट में बन जाते हैं, आप बना के रख दीजिए, रात को सिर्फ आपको गर्म करके ही अपने आप को खा लेने हैं, या फिर अपने बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको भी खिला दीजिए। टेंशन होती है कि मार है लेकिन मगर हमारा बच्चा कैसे रह पाएगा, तो आप अभी बना लीजिए और रात को जो है वो सिर्फ आपको गर्म करके ही देना होगा, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास सवाल आया था कि सूतक काल में अगर हम सोएंगे तो पैर तो फोल्ड होते ही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगी कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे गर्भस्थ शिशु की ऊपर बात हो रही होती है कि हमारे आने वाले बच्चे के अंदर कोई भी शारीरिक तौर पे प्रॉब्लम ना देखने को मिले, कोई हमको ये ना बोल दे कि बच्चा जो है ये ग्रहण में आ गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको अगर सोना है तो बहुत ही सीधा सोइए, आपको अपने पैरों को खोल करके रखने हैं और हाथ पैरों की उंगलियां जो है वो खोल के रखनी है। फ्रेंड्स, मानो तो पत्थर भी भगवान होता है और ना मानो
तो वो भगवान नहीं होता, सिर्फ पत्थर माना जाता है। अगर आप ग्रहण को मानते हो और सूतक को मानते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए ये बात कुछ भी नहीं है। तो सूतक काल में ही आपको अपने घर के जो मंदिर हैं वो बंद कर देने हैं, शाम को कोई भी पूजा पाठ आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया है कि रुद्राक्ष की अगर कोई भी माला है, आप उस चीज़ का जाप जरूर करिएगा। ग्रहण काल में जो फ्रेंड्स आप कपड़े पहन रहे हैं सूतक काल से ही, आपको वो कपड़े दोबारा अपनी प्रेगनेंसी में नहीं पहनने हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, वो आपको डिलीवरी के बाद किसी को दान कर देनी है। अगर फ्रेंड्स आपकी अभी नई शादी हुई है और पहला ग्रहण है या फिर दूसरा ग्रहण है, तो आप उस कपड़े को संभाल के रखिए, जब आपकी बच्ची की डिलीवरी हो जाएगी तब उसको दान कर दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। और सूतक काल से ही फ्रेंड्स आपको अपने पेट के ऊपर गेरू का लेप लगा लेना है, और सातिया बोलते हैं स्वास्तिक को, तो आप स्वास्तिक भी बना लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके बच्चे के ऊपर कोई भी नकारात्मक किरणें ग्रहण की नहीं पड़ेगी। और आपने बार बार, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि 4:05 के बाद जो है अपने खिड़की दरवाजे आप खोलिए ही मत। आप घर में रहिए, घर में इंजॉय कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में कोई भी गायत्री मंत्र चलाइए, गर्भ संस्कार चलाइए, कुछ भी करिए, बट आप घर में रहिए। क्योंकि इस टाइम पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण जो है वो होने वाला है हमारे पृथ्वी पे, और भारत पे इसका बहुत ही गहरा असर होगा। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि गर्भवती महिला को ही हर बात सहने को मिलती है। अगर हमारे बच्चे में, भगवान ना करे किसी भी बच्चे में कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी, तो बाद में हमको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि ग्रहण में मैंने ये चीज़ नहीं किया, शायद इस बच्चे को इसलिए ऐसा हुआ होगा, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स। इसलिए आपको छोटी छोटी बातें जो है मैं बता रही हूँ। अगर हो सके फ्रेंड्स तो आप सूतक काल में भी मत सोइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 9 महीने हम बच्चे को गर्भ में रखते हैं अपने, और बाद में हमें कुछ दिक्कत मिले तो वो बहुत बड़ा दुख की बात होती है। कि अगर हम एक दिन में नहीं सोते या फिर कुछ देर तक नहीं सोते, तो क्या पता हमारे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स खाने की बात रही, आप अभी खाना बना लीजिए और तुलसी के पत्ते जो है उसमें डाल दीजिए। इससे आपके ग्रहण में जो नकारात्मक किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती है वो हर एक चीज़ को दूषित कर देती है। तो आप अपने पानी जो आप पियोगे वो, और जो आप खाना खाओगे या आपके फैमिली में जो भी खाएगा, वो सभी खाने में जो है एक एक तुलसी का पत्ता जो है वो डाल दीजिए। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर रहिए, बार बार बोल रही हूँ कि लोहे को नहीं छूना है, बालों की क्लिप निकाल दो, साड़ी की पिन निकाल दो, और बाथरूम में अगर आप वॉशरूम पास करने जाओगे तो आपको कुंडी वगैरह नहीं छूनी है, खोल करके करिए, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अगर आपके घर में, मेरे पास अभी एक मैसेज आया था कि मुझे ट्रेन में कहीं जाना है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यही गुजारिश करूंगी कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका अगर जाना बाहर, तो आप थम जाइए। थोड़े से ही टाइम की बात है फ्रेंड्स, अगर उसमें आप थम जाओगे तो आपके गर्भ आने वाले शिशु के अंदर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो हमको समझाते हैं, मगर हमको उनकी बात जो है ना बाद में समझ में आती है कि ये बात जो है ना बड़े बुज़ुर्ग सही बोल रहे थे। तो इसलिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जो भी मान्यता है वो आप अपने थोड़े से घर के रूल्स भी देखिए कि आपके घर में क्या होता है, और थोड़ी सी मेरी बातों को भी देखिए। जो मेरे घर में हुआ था मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपके आने वाले गर्भस्थ शिशु के अंदर कोई भी शारीरिक या फिर मानसिक प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते होंगे, जिनके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग नहीं होंगे, किसी को ऐसी बातें बताने वाले कोई लोग नहीं होगा कि ग्रहण में बेटा क्या करते हैं, ग्रहण में क्या नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आई हूँ कि ताकि आपको पता लग सके कि आपको क्या क्या ग्रहण काल में नहीं करना होता है। ग्रहण में तो सभी को पता होता है फ्रेंड्स कि नहीं सोना है, नहीं खाना है, तो मगर सूतक काल भी भारत में मान्य है, तो सूतक काल में भी ये नियम मान्य होते हैं फ्रेंड्स कि आपको पाठ पूजा नहीं करना है, आपको अपनी उंगलियों को खोल के रखना है, आपको फोल्ड पैर नहीं करने हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक कीजिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे भगवान के ऊपर कष्ट पड़ता है और हमारे ऊपर भी और हमारे गर्भस्थ शिशु पे भी कष्ट पड़ता है, और ग्रहण काल में गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इसका असर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप सिर्फ गायत्री मंत्र या फिर गर्भ संस्कार या फिर कोई भी आपको पाठ पूजा गीता कुछ भी पढ़िए, मगर कुछ भी भगवान को याद कीजिए। धन्यवाद।